झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड भर में सरगर्मियां तेज हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम मनुष्मी पाठक है और आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के हजारीबाग के 20 बरकट्ठा, 21 बरही एवं 25 हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के लिए 18 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो रहे हैं तथा द्वितीय चरण में 24 मांडू के लिए 22 अक्टूबर को नामांकन प्रारंभ होंगे। प्रत्याशी सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। अवकाश के दिन नामांकन नहीं होगा। सभी प्रत्याशी नामांकन के दौरान चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन के दौरान नामांकन स्थल की 100 मीटर के अंदर सिर्फ 3 गाड़ियों के प्रवेश की अनुमति होगी। वहीं प्रत्याशी समेत कुल 5 लोग नामांकन कक्ष में जा सकेंगे। प्रत्याशी के नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त पार्टी के उम्मीदवारों के लिए 1 एवं गैर मान्यता प्राप्त निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 10 लोगों का प्रपोजल अनिवार्य होगा। हर सामान्य प्रत्याशी को ₹10,000 बतौर जमानत राशि जमा करानी होगी। अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए यह राशि ₹5,000 होगी। आयोग ने जानकारी दी है कि शपथ पत्र के रूप में हर प्रत्याशी को फॉर्म 26 को स्पष्ट रूप से पूरा भरना होगा। प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारियों को कम से कम 3 समाचार पत्रों में विज्ञापित करानी होगी। उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रदर्शित करना होगा। प्रत्येक प्रत्याशी चुनाव खर्च के ब्यूरो के लिए अलग से बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे। झारखंड में इस बार 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को है, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को है और 23 नवंबर को मतगणना है। पहले चरण के चुनाव को लेकर 18 अक्टूबर से ही नामांकन शुरू हो रहे। विधानसभा चुनाव से लेकर ऐसी और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहे हजारीबाग अपडेट्स।